अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल. प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने जस्ट पॉइंटर की इसमें इंक्रीमेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड की थी, इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट. लेकिन इसके इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन किस फॉर्म में, जस्ट प्री इंक्रीमेंट. इन दोनों ही केस में इसके बिहेवियर को कंपेयर करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आपको ये एरे क्रिएट करना है विद साइज 3 प्लस इसके इनिशियल एलिमेंट्स कैन 10, 20, 30. इसके लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम प्रोवाइड किया है. इस एरे ए, इस एरे में एलिमेंट्स कितने, देयर आर 3 एलिमेंट्स. एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 100, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या हुआ, स्टार 100. सेम है सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस क्या, 102, और सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, स्टार 102, लाइक दैट. देन सेकेंड आपको एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेट करना. सेकेंड एक्सप्रेशन जस्ट मैंने क्रिएट क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल पी. पी के केस में पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली टू बाइट्स. सपोज दैट एड्रेस ऑफ पी इज 98. फिर इनिशियली पी में क्या असाइन हो रहा है, ए के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100. तो सबसे पहले पॉइंटर वैल्यू पी में क्या असाइन हो रहा है, 100. तो इनिशियली पी किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. से एलिमेंट का अदर नेम क्या हुआ, स्टार पी, क्योंकि पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, 100. तो इसका मीनिंग क्या, इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100. क्लियर. नेक्स्ट वन, अगेन मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्रिंट एफ के केसेस में अगर आप मल्टीपल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हो, प्रिंट एफ के आर्गुमेंट लेफ्ट टू राइट प्रोसेस होंगे, राइट टू लेफ्ट. तो सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व करें, इसके इसमें राइट मोस्ट एक्सप्रेशन. तो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन क्या, इसके इसमें स्टार प्लस प्लस पी. इस केस में अगेन टोटल पी के लिए 2 ऑपरेटर्स अप्लाई हुए हैं, स्टार एज वेल एज प्लस प्लस. दोनों केसेस में अगर प्रायोरिटीज की बात करें, दोनों का टाइप क्या है, यूनरी ऑपरेटर. यूनरी के केस में प्रायोरिटीज हम इसलिए अप्लाई करोगे एसोसिएटिविटी रूल. एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व क्या सीखेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले चांस किसको लेगा, प्लस प्लस. प्लस प्लस के लिए ऑपरेंट कौन है, ओनली पी. इस केस में ऑपरेशन कौन सा, प्री और पोस्ट. प्री है तो पहले पी में इंक्रीमेंट कराएं, देन पी का वैल्यू रिप्लेस करें. मीन्स पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट. जब पी में इंक्रीमेंट करो तो पी इंक्रीमेंट ऑपरेशन किस टाइप से होगा, लाइक दैट. इट इज सिमिलर टू पी इक्वल्स टू पी प्लस वन. पी का वैल्यू क्या करंटली 100. 100 क्या है, मेमोरी एड्रेस. जब एड्रेस में इंटीजर टाइप के एड्रेस में 1 से इंक्रीमेंट करो तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से. मीन्स इसका रिजल्ट क्या आएगा, 102. आसान किस में हो जाएगा, लोकेशन पी. जैसे ही पी में 102 असाइन हुआ, इमीडिएटली पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, 102 लोकेशन. और 102 लोकेशन को एक और नेम प्रोवाइड हुआ जाएगा, स्टार पी. क्लियर. मीन्स इस केस में जस्ट मैंने आपको क्या बोला था, प्री इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग पहले पी में इंक्रीमेंट करा, देन पी के प्लेस पर ऑपरेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पी. करंटली पी का वैल्यू क्या है, 102. तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करोगे, 102. देन स्टार जब 102 के लिए अप्लाई करेंगे, स्टार क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ 102. और करेंटली 102 में वैल्यू क्या स्टोर है, एस 20. देन रिप्लेस क्या हुआ स्पेस पर, जस्ट 20. फाइनली फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ, फर्स्ट लास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 20. देन इसके प्रीवियस केस में जस्ट राइट डाउन की डायरेक्टली स्टार पी, और करंटली स्टार पी का भी वैल्यू क्या है, ऑल्सो 20. इस केस में क्या प्रिंट हुआ, ऑल्सो 20. क्लियर. नेक्स्ट वन अगेन सेम एक्सप्रेशन क्या है, स्टार प्लस प्लस पी. अगेन राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे, पहले क्या है, प्री इंक्रीमेंट. प्री है तो पहले इंक्रीमेंट कराओ तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 104. अब पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, 104 लोकेशन. इस लोकेशन का अदर नेम क्रिएट हो जाए, स्टार पी. इस पहले पी में इंक्रीमेंट करा, देन रिप्लेसमेंट. प्लस प्लस पी के प्लेस पर पी का करंट वैल्यू क्या रिप्लेस कराएंगे, 104. और स्टार 104 में करंटली वैल्यू क्या स्टोर है, 30. देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, जस्ट 30. स्टार पी में भी क्या स्टोर है, करंटली ऑल्सो 30. तो इस केस में क्या आएगा, ऑल्सो 30. फाइनली इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, लेफ्ट टू राइट 30 30 20 20.